हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जाम्स सो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज है वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट तो अपन को यहां पर कुछ चार स्टेटमेंट दे रखे हैं अलग अलग रिगार्डिंग द स्केल्स अपन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है नाउ सो so, अगर इसमें देखें तो सबसे पहला आ, यहाँ पर स्किल्स स्किल्स की की बात की गई है। अगर देखें तो यहाँ पर चार टाइप की स्केल निकल के आती है पहली हो जाती है डायरेक्ट वर्नियर ना डायरेक्ट वर्नियर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर एन माइनस वन डिविजन जो होंगे मेन स्केल के वो एन डिविजन ऑन वर्नियर के बराबर होंगे वहीं अगर बात करें हम लोग रेट्रोग वर्नियर की तो रेट्रोग वर्नियर में एन प्लस वन जो डिवीजन होंगे मेन स्केल के ये एन डिवीजन ऑफ दी वर्नियर के बराबर निकल के आते हैं और वहीं अगर बात करें हम लोग डबल वर्नियर की तो डबल वर्नियर के केस में ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर निकल के आता है और वहीं पर हम लोग बात करें एक्सटेंडेड वर्नियर की तो एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में टू एन माइनस वन जो डिवीजन होंगे मेन स्केल में ये इक्वल निकल के आ जाते हैं एन डिवीजन ऑन दी वर्नियर के सो so, करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें हमारे क्वेश्चन uh, की तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट निकल के आता है जो ये है कि अ डबल स्केल कंसिस्ट अ डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल वर्नियर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग वन स्केल विद द जीरो इन द सेंटर तो डबल तो जो वर्नियर होता है उसमें दोनों साइड जो स्केल होती है वह एक्सपेंड करती है तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट निकल के आता है

तो अपन को डिटरमाइन करना है यहाँ पर कि जो मेजर्ड लाइन है उसकी लेंथ कितनी निकल के आएगी वो डिटरमाइन अपन को यहाँ पर करना है सो so, इसको अपन सॉल्व uh, करते हैं तो तो इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम होगी तो इसमें सिंपल सा अपन यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि फॉर्मूला निकल के आता है फॉर द करेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से तो यहाँ पे करेक्ट लेंथ जो निकल के आती है चेन की या टेप की ये निकल के आ जाती है कैपिटल एल जो लाइन है उसकी करेक्ट लेंथ डिटरमाइन करनी है ना स्मॉल एल हो जाएगा हमारी चेन या टेप की करेक्ट लेंथ ठीक है ना तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा चेन uh, या टेप है वो जीरो मीटर टू लॉन्ग है ना? तो इसकी जो लेंथ है नॉमिनल लेंथ से जीरो मीटर बढ़ जाएगी तो नॉमिनल लेंथ जो है हमारी चेन की या टेप की यहाँ पर ट्वेंटी मीटर गिवेन है हमें तो जो एक्चुअल लेंथ है हमारी चेन और टेप की ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस का जीरो पॉइंट ना जो मेजर्ड लेंथ यहाँ पर है वो क्वेश्चन में दे रखा है ये एट फोर्टी वन पॉइंट फाइव मीटर है ना जब फाइनली इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है एट फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन मीटर ठीक है, है मीटर ये ये निकल के आती है और final answer हमारा कि जो line हो जो होगी 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 उसकी में अगर देखें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो अपन को यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट दे रखा है टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल सो यहाँ पर अपने से पूछे गए हैं द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग तो सर्विंग के प्रिंसिपल अपन को पूछ रखे हैं तो सर्विंग के दो प्रिंसिपल होते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल इन्होंने यहां मेंशन किया है टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल तो ये पहला जो स्टेटमेंट है है ना ये गलत है पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है ये गलत है क्योंकि सर्वेइंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है सबसे पहले हम लोग पर जो कंट्रोल पॉइंट होते हैं उनको एस्टेब्लिश करते हैं है ना देन हम लोग जो सर्वे लाइन होती है उसे बनाते हैं और फिर करेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर सर्वे करते हैं तो पहला स्टेटमेंट इनका गलत है यहाँ पे पार्ट टू होल नहीं होल टू पार्ट वर्क किया जाता है दूसरा स्टेटमेंट है to to locate uh, to locate a new station uh, by measurement from at least two fixed reference points already established or identified तो सेकेंड uh, जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है तो यहाँ पर किसी भी नए पॉइंट को, को नए स्टेशन को स्टेब्लिश करने के लिए कम से कम हमें यहाँ पर दो मेजरमेंट लेनी होती है either इट मे बी लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दी बोथ है ना तो सेकंड ऑप्शन सेकंड इसका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है सो so, अगर ऑप्शंस देखें तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ओनली बी तो यहाँ पे बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर लैंड वाज मेजर्ड एज़ 150 मीटर एंड इज इन एरर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो मीटर वॉट इज द कर तो यहाँ पर अपन को दे रखा है कि एक कोई फिल्ड uh, है, है उसका जो साइड है वो वन फिफ्टी मीटर का है और उसके मेजरमेंट में जो एरर है वो जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर का है है ना तो अपने से पूछ रहा है कि करेस्पोंडिंग एर हमारे कंप्यूटेड एरिया में कितना होगा सो लेट अस सपोज जो हमारा जो एरिया है फील्ड पर है ना और जो हमारा मैप पर एरिया है है ना अ स्केल वाइज है ना अगर स्केल वाइज देखें तो ये दोनों इक्वल है है ना स्केल वाइज यानी कि अगर मैं स्केल का यूज करूं तो ये निकल के आ जाएगा क्लियर ना चल तो uh, इसको क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट किया तो ये निकल के आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल ए इज जब ए स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए इन टू डेल ए ना सो टू एन टू ए क्या है ये हमारी स्क्वायर की साइट है सो so, क्वेश्चन में ये साइट अपन को 150 दे रखा है जो डेल ए है ये हमारा एरर हो गया एरर कितना है 0.05 क्लियर तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है ये निकल के आ जा रहा है 15 मीटर स्क्वायर ना यानी कि जो करिस्पॉन्डिंग एरर है जो एरर है हमारे कंप्यूटेड एरिया में ये कितना निकल के आ जा रहा है ये फिफ्टीन मीटर स्क्वायर का निकल के आ जा रहा है जो कि हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइपोटेनस अलाउंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन है तो यहां पर अपन को अ डिटरमाइन करना है हाइपोटेनस अलाउंस को ठीक है नाउ सो देखिए So, let us suppose, ये ये है 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 अपना कोई तो तो अपन को यहाँ पर के बारे में बात करनी है। तो let us suppose, ये कोई है, जो है, जो कि कि डिग्री से ठीक है, है ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया तो ये लेटे सपोज ए पॉइंट हो गया ये सी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया ठीक है ना सो so ए से बी तक की जो हॉरिजोंटल Uh, जो हॉरिजोंटल डिस्टेंस है ये लेटेस्ट सपोज स्मॉल एल है ठीक है no. ना so, सो देखिए जो मेजर्ड लेंथ है हमारा जो मेजर्ड लेंथ है लेटेस्ट सपोज इसको अपन कहते, है, कहते हैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल एल हमारा मेजर्ड लेंथ है तो जो एरर है हमारे स्लोप में वो कितना निकल के आ गया लेटेस्ट सपोज पॉइंट को कुछ नाम, नाम दे देते हैं इसको डी पॉइंट नाम दे देते हैं ठीक है तो ए से लेकर के डी तक की जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा स्मॉल एल और यहाँ से ये जो डी सी है जो डी से सी वाला जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हाइपोटे और ये हाइपोटेनस अगर हम लोग देखें तो ये कितना निकल के आता है ये निकल के आ जाता है हमारा डी जो है जिसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं सी एच से तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पर एल इंटू सेठा माइनस का वन तो थीटा माइनस का वन तो ये हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस अलावेंस हो जाता है ठीक है जो कि ऑप्शन हमारे सी में है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड टोपो शीट यूजिंग स्केल ऑफ तो यहाँ पर किस स्केल को यहाँ पर यूज किया जाता है ना बेसिकली डेटा डेटाबेस क्वेश्चन है तो इसे यहाँ पर हमें रिकॉल ही करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा डायरेक्टली तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और स्टैंडर्ड वैल्यू पे निकल के आती है ऑप्शन डी में जो कि है ठीक so, है सो जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये टोपोशी जो है वो वन इस टू फिफ्टी थाउजेंड की स्केल में पब्लिश करता है ठीक है तो एक स्टैंडर्ड uh, डेटा है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा अब no. तो यहां पर हमने जो जितने भी क्वेश्चंस है ये डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग के थे है ना जिसमें हम लोगों ने जो करेक्शंस है है ना करेक्शन के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स थी कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो जो टेप है या चेन है उसके स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड थे ना? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे ई क्यूज थे ऑफ द डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हमने यहाँ पर कवर किए थैंक यू